गार्डनिंग की कुछ बात करते हैं। मैं बहुत लोगों के घर जाता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे गार्डन्स बनाए होते हैं, लोग इनवाइट करते हैं, चाय पे इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारा गार्डन देखिए। तो मैं कई जगह मुझे कमेंट करना पड़ता है, मैं उसे रहा नहीं जाता, मैं बोल देता हूँ कि ये आपका गार्डन नहीं, ये तो शोपीस है, ये तो NPK और DAP के ऊपर बनाई हुई मंजिलें हैं, बिल्डिंगें हैं, रंग बिरंगे पॉट्स और प्लांटर्स, रंग बिरंगे इतने एक्सपेंसिव हाइब्रिड वो सीड से उगाए हुए पनीरी भी जो लेकर आते हैं वो इतना एक्सपेंसिव, फिर ऐसे एक्जॉटिक प्लांट्स जिनका कोई लेना देना ही नहीं है हमारे यहाँ की हवा पानी से, जो यहाँ उगते ही नहीं, जिनकी मेंटेनेंस एक्सट्रीमली हाई है, आपको 20-20 हज़ार रुपये का माली रखना पड़ रहा है एक छोटी सी टेरेस और बैल्कनी गार्डन को मेंटेन करने के लिए, ऐसे गार्डन का क्या करना। तितली भी खुश नहीं होती, भंवरे भी खुश नहीं होते, गिलहरी का तो आने का मतलब ही नहीं है, आप उसको कभी मार देते हो गिलहरी को या भगा देते हो, बंदर वगैरह तो आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सोच भी नहीं सकता कोई कि मोर आ जाए, बंदर आ जाए आपकी, क्यों, क्योंकि आपने लाखों करोड़ों रुपए तो गार्डन पे लगा दिया आपने, तो ये तो शो पीस है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता है कि आप देसी बीज से, देसी आपने हमारे जो इंडिया में हमारे अपने जो फूल हैं हम वो लगाएं, हम अपने जो हमारे पौधे हैं जो हमारे उस क्षेत्र में, उस रीजन में, उस टेरिटरी में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस शहर में, उस गांव में जो कई सौ साल से उगते आए हैं, हम उन्हीं को उसी से शोभा बढ़ाएं अपनी गार्डन की। मिनिमम मेंटेनेंस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑन NPK DAP, क्यों, आप अपने घर की सब्जी की ही कंपोस्ट बनाइए और उसी में अपने फूल उगाइए। अगर गार्डन पे ही आपको लाखों रुपया खर्च करना है तो वो काहे का गार्डन हुआ सर, ये तो आप सिर्फ, ये बात हुई कि आप दिखाने के लिए उसकी फ़ोटोएं मतलब आपको इंस्टाग्राम पे डालनी है या पार्टी में आपको बोलना है कि देखो जी मेरा ये गार्डन। और हम देखते हैं, मैं कभी कभी नर्सरी में कहीं खड़ा होता हूँ तो गाड़ी आके रुकती है, वो कहते जी सबसे महंगा पौधा, ये क्या बात बनी, सबसे महंगा पौधा, फिर नर्सरी वाला भी जो चीज़ 2000 की है वो 4000 की करके बोलता है, फिर इतना लंबा पौधा, फिर जी रंग बिरंगा पौधा, फिर वो, तो हम नेचुरल नहीं हैं, हम अपने गार्डन की हॉबी में भी नेचुरल नहीं हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, हो सकता है सिर्फ 20% ऐसा करते हों, 80% अच्छा ही करते हों, पर मैं एक सिर्फ आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा आप सोचिएगा, इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दीजिएगा, कंटेम्पलेट ऑन दिस, दैट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू, दिस इज नॉट द वे टू बिल्ड अ गार्डन, है ना। गार्डन शुड बी अ प्लेस ऑफ जॉय, नॉट अ प्लेस ऑफ स्ट्रेस। गार्डन शुड बी अ प्लेस ऑफ जॉय कि आपने बहुत ही कम पैसों में आप एक खूबसूरत हरियाबल की एक जगह, हरियाली वाली जगह, सुगंधित फूल हैं, हमारे परिजात भी लगे हैं, हमारी मधुमालती भी लगी है, हमारे जो हमारे देसी, हमारे हमारी चंपा, हमारी चीज़ें, हमारी अपनी जो हमारे देश के फूल हैं, गेंदे हैं, गुलाब हैं, कितने प्रकार के गुलाब हैं, कितने प्रकार के गेंदे हैं, कितने प्रकार, हमको वो लगाने चाहिए। आप उठा उठा के वो मेक्सिको की अफ्रीकन और यूरोपियन फ्लावर्स और ऑस्ट्रेलियन फ्लावर्स और ना जाने कहाँ कहाँ से एक्जॉटिक स्पीशीज लगा लेते हैं, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए आप परेशान रहते हैं। अगर आपका गार्डन आपको परेशान कर रहा है तो फिर सर आप गार्डनिंग हॉबी ही क्यों कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा ना करना होता है, करना तो अपने लिए होता है कि हमें खुशी मिले, हम जब सुबह उठें और अपने गार्डन को देखें, एक कप चाय या कॉफ़ी लेके अपने गार्डन में बैठे तो हमें खुशी मिलनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को शो करने के लिए, पार्टीज़ करने के लिए और पार्टी में दिखाने के लिए, ऐसे थोड़ा ना कोई गार्डनिंग होती।